और बात करें चारा घोटाला की दुमका कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर एक बार फिर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। आज फुल कोर्ट ऑफ रेफरेंस के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले भी दो बार उनकी याचिका पर सुनवाई टल चुकी है और एक बार फिर से आज सुनवाई टली है। 22 नवंबर को एक अधिवक्ता के निधन के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी और इस मामले में कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर सीबीआई को जवाब पेश करने को कहा था। सीबीआई ने अपना जवाब पेश कर दिया है। बताएं कि दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत से 7 साल की सजा मिली है। उनकी ओर से कस्टडी को आधार बनाते हुए और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत मांगी गई है। तो एक बार फिर से जमानत याचिका की जो सुनवाई आज होनी थी लालू प्रसाद यादव की वो टल गई है। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, फुल कोर्ट ऑफ रेफरेंस के कारण ये सुनवाई टल गई है। 6 दिसंबर को अगली सुनवाई हो सकती है। और ज्यादा जानकारी ले हमारे साथ सहयोगी इमरान है फोन लाइन पर। इमरान, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से आज भी सुनवाई टली है। देखिए बिल्कुल, के मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुनवाई जो है वो फुल कोर्ट ऑफ रेफरेंस हो गई। कॉन्टिनेंस होने की वजह से एक वकील की डेथ हो गई और जिसके बाद जो शुक्रवार को तिथि निर्धारित की जाती है और सेकेंड हाफ में जो की सूचीबद्ध था लालू के जमानत से संबंधित मामले, तो आज सुनवाई नहीं हो पाई है। तो नेक्स्ट जो फ्राइडे है उसमें इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी और फिर आगे तय किया जाएगा कि लालू यादव को जमानत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरह का ये पूरा मामला था, दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले पर जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें पिछले शुक्रवार को भी वकील की डेथ होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। उसके बाद से आज की तारीख निर्धारित की गई थी लेकिन आज भी एक वकील की डेथ हो गई। इसके बाद फिर से इस पूरे मामले को अगली तारीख को निर्धारित कर दिया गया। नेक्स्ट फ्राइडे को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। चलिए, तो अब देखना है कि क्या 6 दिसंबर को भी सुनवाई हो पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी के लिए।